मोदी सरकार की वर्तमान मजबूत अर्थव्यवस्था का उदाहरण। श्री धन्यवाद नरेश बंसल। नरेश जी, दिस इज योर मेडन स्पीच। यस सर, धन्यवाद सभापति जी। मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल इस सदन के सदस्य के रूप में पूरा हुआ और आज मुझे मेडन स्पीच करने का मौका मिला है। मैं आपका आभारी हूँ, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। 1.5 साल कोरोना में गया और 1 साल विपक्ष के मित्रों ने सदन नहीं चलने दिया, इसलिए मेरे जैसे नए सदस्य बोल नहीं पाए। आज आर्थिक स्थिति पर देश की चर्चा हो रही है और आज सशस्त्र सेना दिवस भी है। मैं अपने भाषण का प्रारंभ चर्चा में भाग लेते हुए सेना को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। और चूंकि आर्थिक स्थिति पर चर्चा है तो सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 70 वर्षों में देश जिन घोटालों के कारण गर्त में गया उसमें सबसे पहला घोटाला सेना का था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले ही कार्यकाल में स्वतंत्रता के बाद इस देश में जीप घोटाला हुआ था जिसमें रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद अनेक घोटाले हुए, कई मुंदड़ा घोटाला हुआ, हमने वहां तक का भी दौर देखा है जब नागरवाला कांड हुआ और टेलीफोन पर 60 लाख रुपया स्टेट बैंक से दे दिया गया। किसने लिया, किसके खाते से दिया पता नहीं आज तक भी। उसके बाद प्लीज अगर मैंने गलत कहा है तो मैं वापस ले लूंगा, पर मुझे जहां तक मालूम है कृष्ण मेनन जी ने इस्तीफा दिया था। फर्स्ट यू आर स्पीकिंग व्हाइल सिटिंग, नंबर 2 आई हैव नॉट गिवन यू परमिशन टू स्पीक, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर जयराम जी, आई एम नॉट इल्डिंग यू, आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई एम नॉट इल्डिंग यू, आर इंटरप्टिंग अ पर्सन हु इज मेकिंग हिज मेडन स्पीच। अनेक घोटाले हुए और 2009 से लेकर 2014 तक तो 60 महीने में 72 घोटाले हुए 10 लाख करोड़ के, अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत गिन जाएंगे। इस 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है चारों तरफ का विकास दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हां दे रहे हैं, क्योंकि हम गरीब की स्थिति बदलना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उसको सशक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा भी कि मेरी गरीबों की सरकार है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है, किसानों की सरकार है। आपकी सरकारों में भी आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। जो अनाज उस गरीब का हक है हम उस तक पहुंचा रहे हैं, आपने वो गरीब तक तो नहीं पहुंचाया, उसको सड़ा करके शराब के व्यापारियों को मुफ्त जैसे रेट में देने का काम किया। हमारे जमाने में वो नहीं होता। अभी बताया जांगड़ा जी ने भी कि हमने गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर भी 75,000 करोड़ का अनाज निर्यात किया है। हां, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में जहां रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी ये सब बड़ी है, 38 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आज सब तरफ की दूरी कम हुई है, आने जाने के साधन बढ़े हैं और पेट्रोल के कंजम्पशन में भी कमी आई है, डीजल के कंजम्पशन में भी कमी आई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि वो चमत्कारी अर्थशास्त्र हमारे यहाँ नहीं आया जिसमें 3 करोड़ रुपए की गोभी बालकनी में पैदा होती है, वो नहीं हुआ।
10 साल में कोई घोटाला भी नहीं हुआ। आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए नीतियां बनी, मैं प्रारंभ करना चाहता हूं उस गरीब आदमी से जो रोज खाता है, रोज कमाता है, जिसके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो क्या करे वो गरीब आदमी जो रोज खाना रोज कमाना, सवेरे घर से निकलता है शाम को घर लौटेगा कि नहीं पता नहीं। आपने उस आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा। पहली बार गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने सोचा उसको 2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा चक्र 12 रुपए में देने का काम किया। आपके ध्यान में कभी वो गरीब आदमी नहीं आया। वो सुबह जाए शाम को ना लौटे तो उसका परिवार चौराहे पर आ जाता था, उसकी जवान बेटी की शादी रुक जाती थी, उसके बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी। इस 2 लाख रुपए के सुरक्षा चक्र से उसकी बेटी की शादी भी होगी, उसके बेटे की पढ़ाई भी होगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, मैंने अपने छात्र जीवन में बड़ा नारा सुना, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। उन गरीबों के लिए अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा। जो जीवन में कभी घर नहीं बना सकते थे, ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वो गरीब जिनके लिए आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आपके शासनकाल में कभी बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। मैंने 24 साल बैंक में नौकरी की है, मैंने देखा है जिस समय गरीब खाता खोलने आता था तो मैनेजर कहता था तुम्हारी शिनाख्त कौन करेगा, हु विल इंट्रोड्यूस यू। उसका तो बेचारे का वेश ही उसकी शिनाख्त थी। वही मैनेजर जिसने उसको बाहर निकाला, मोदी जी के नेतृत्व में कैंप लगा लगा करके जनधन के खाते खुले। उन्होंने ही कहा ताऊ आओ खाता खोलो, ताई आओ खाता खोलो। उन्होंने कहा गरीब हैं, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा बिना पैसे के खाता खोलो। कैंप लगा लगा करके जनधन के खाते खोले और ऐसे 50 करोड़ लोगों को हम आर्थिक जगत में लेकर के आए जो आपके शासन में कभी आए नहीं थे। उन्होंने भी कहा हम भी ATM वाले हैं, उनके खाते खुले। जनधन के खातों के साथ साथ उनको 1 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा भी मिला। इतना ही नहीं, उस गरीब आदमी को और सशक्त करने के लिए, उसको सुरक्षा चक्र देने के लिए 330 रुपए में अटल बीमा योजना ये प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। 2 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र और गरीब आदमी को मिला। 330 और 12 342, साल में दिन होते हैं 365। 1 रुपए रोज से भी कम में 4 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र उस गरीब आदमी को मिला जिसकी बेटी की शादी रुक जाती थी, जिसके बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी, उसको देने का काम ये गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने किया। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, हमारी माताएं बहनें, मैं उत्तराखंड से आता हूं, पहाड़ी प्रदेश है। मैंने संगठन मंत्री के रूप में वहां गांव गांव घूमा है। मैं देखता था जब मैं गांव के अंदर जाता था भोजन करने के लिए, किसी परिवार में जाता था तो पूरी रसोई काली दिखाई देती थी। हमारी पहाड़ की मां बहन का जीवन बड़ा कठिन है। प्रातःकाल 4 बजे शुरू होता है, रात के 12 बजे तक चलता है। प्रातःकाल वो लकड़ी लेने के लिए जाती है, घास लेने के लिए जाती है और लकड़ी पर आकर खाना बनाती है। खाना बनाने से वो सारी रसोई काली दिखाई देती है, लेकिन बरसात में जब वो लकड़ी नहीं जलती, फूंक मारते मारते आंख नाक कान बराबर हो जाते हैं। मेरा गरीब परिवार में जन्म हुआ है, मैंने देखा मेरी माता जी जब खाना बनाती थी, खासकर बरसात के दिनों में वो लकड़ियां नहीं जलती थी तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। मेरी माताएं बहनें समय से पहले बूढ़ी लगती थी, आंखें खराब हो जाती थी, अस्थमा की बीमार हो जाती थी। उनको निजात दिलाने का काम उज्ज्वला के 9.5 करोड़ कनेक्शन दे करके गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
मेरे उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो बीपीएल परिवार को जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है उनको 3 सिलेंडर मुफ्त में साल भर में रिफिल करने का काम भी सहयोग करके किया है। मैं बताना चाहता हूं कि वो गरीब जिसको इस प्रकार से कभी सोचा नहीं गया आज सारी आर्थिक नीतियों में गरीब है। अभी हमारे एक सांसद कह रहे थे कि सरकार रिच है, बीजेपी रिच है, पर लोग गरीब हैं। मैंने भी अर्थशास्त्र में पढ़ा था, इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्यों है वो जिस दल के सदस्य हैं उनके सहयोग से जो सरकारें चलती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों पर जो सरकारें चलती थी, उन सरकारों की नीतियों के कारण ये देश गरीब बना रहा। इस देश के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में उसको कभी पहचानने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने उस ताकत को पहचाना है। उन्होंने कहा भी है कि चार ही जातियां हैं, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। जहां आप लोग देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हो, जातीय जनगणना की बातें कर रहे हो, वहां जो जिनका विकास होना चाहिए वो जातियां गिनाई गई हैं। उन जातियों के उद्धार के लिए युवाओं के लिए अवसर प्रदान किए गए, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। आज हम देख रहे हैं खेलों में भारत डंके गाड़ रहा है, भारत का डंका बज रहा है, हर खेलों में पदकों की तालिकाओं की कतार लगी है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, कोई से भी खेल हो, हर खेलों में पदकों की तालिका बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको प्रोत्साहन दिया है, युवकों को अवसर प्रदान किया है, युवकों को अग्निवीर के माध्यम से भी देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है। आप आलोचना कितनी भी कर सकते हैं लेकिन देश के लिए, युवकों के लिए क्रांतिकारी योजना है। हमारा युवा और खेल मंत्रालय इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही हमारी माताओं बहनों के लिए, माताओं बहनों के सशक्तिकरण करने में काम हुआ है, कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माताओं बहनों को 70 साल की आजादी में भी रोजाना प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले, सायंकाल सूर्यास्त के बाद नित्य कर्म के लिए जाना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, अनेक दुर्घटनाओं का शिकार होती थी, प्रतिदिन आत्मग्लानी से ग्रसित होती थी। ऐसी महिलाओं को सशक्त करने के लिए 14 करोड़ इज्जत घर बनाकर उनके सम्मान की रक्षा की गई है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक स्थिति भी बदली है। अभी हमारे रामगोपाल जी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, कि आपने शौचालय तो बनाए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, उनमें लोग भूसा भर रहे हैं। मैं रामगोपाल जी से बताना चाहता हूं कि 14 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो 12.5 करोड़ लोगों में 70 साल के बाद भी 12.5 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हाँ, जो टोंटी भी उखाड़ कर ले जाएं उनको वो पानी नजर नहीं आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति बदली है, हम सेना के क्षेत्र में सशक्त हुए हैं, आज विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है, हमारा पासपोर्ट वैल्यूएटेड हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी चर्चा हुई है। मैं बताना चाहता हूं महंगाई के लिए 2-4 चीजों का मैं तुलनात्मक विवरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2004 में जब अटल जी की सरकार गई, यूपीए की सरकार आई, तो आटा था 8 रुपए किलो। 2014 में जब आपने सरकार छोड़ी तो आटा था 24 रुपए किलो, यानी 3 गुना वृद्धि हुई। और आज वही 10 साल हो गए, हमारी सरकार में आटा है 30 रुपए किलो, यानी 1/4 वृद्धि हुई। आपके 10 साल में 3 गुना वृद्धि हुई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि महंगाई घटी है कि बढ़ी है। आप पर छोड़ता हूं, कोकोनट ऑयल 26 रुपए किलो, और हमने जब छोड़ा अटल जी की सरकार में तो 26 रुपए किलो था, आपने 2014 में तो 78 रुपए था,
यानी 3 गुना, और आज है 88 रुपए। 10 साल में केवल 10 रुपए बढ़े हैं आपके, उसमें तो 26 से 78 हुआ। महंगाई आपके कार्यकाल में थी या अब है, मैं पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार में पेट्रोल की बड़ी चर्चा होती है। पेट्रोल पर हमारी सरकार ने 2-2 बार एक्साइज, डीजल पर भी 15-20 रुपए घटाई। हमारी सरकारों ने भी, जो प्रदेश की सरकारें हैं, उन्होंने भी उस पर वेट घटाया, पर आपकी किसी सरकार ने नहीं घटाया। झूठे वादे बहुत करते हो। हिमाचल में पेट्रोल के दाम घटा करके आए और सरकार में आते ही 3 दिन के बाद 3 रुपए लीटर बढ़ा दिया। ये है आपका काम। पेट्रोल 2004 में हमने छोड़ा तो 33 रुपए 70 पैसे लीटर था, आपने छोड़ा तो 72 रुपए 26 पैसे था, दुगने से भी ज्यादा। और आज कितना है? 96 रुपए 70 पैसे, केवल 24 रुपए 10 साल में बढ़े हैं। वो भी आपके कारण बढ़े हैं, क्योंकि आपने जो जगलरी की थी पेट्रोल के दाम ना बढ़े ज्यादा, इसके लिए आपने जो पेट्रोल कंपनियों को वाउचर दिए थे सब्सिडी के, उसका भुगतान ब्याज सहित नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए फिर भी हमारी वृद्धि आपसे बहुत कम है, आप इसकी तुलना कर लीजिए। इसी प्रकार से और भी मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बात ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी बात मैं बेरोजगारी की भी कर लूं। आपके जमाने में रोजगारों की जहां तक बात है, बेरोजगारी हमारे जमाने में घटी है। अनएम्प्लॉयमेंट 2021 में 4.2% था, 21-22 में 4.1% हुआ, और 22-23 में 3.2% निरंतर घटता हुआ आ रहा है, पहले के जमाने से भी। इस प्रकार से रोजगार की बात करें तो जो 9 क्षेत्र हैं उनमें भी 2.3 करोड़ से बढ़कर 3.18 करोड़ रोजगार मिले हैं। ईपीएफओ के नए आंकड़े हैं, ईपीएफओ में जिनके नाम आते हैं, जो संख्या आती है उनके आते हैं, जिनको रोजगार मिला है, जिनका पीएफ कट रहा है, उन आंकड़ों को झुठलाया नहीं जा सकता। ईपीएफ के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 77,08,375 लोगों को रोजगार मिला, 21-22 में 1,22,34,625 लोगों को रोजगार मिला, और 23 में सितंबर तक 22-23 में 1,38,51,659 लोगों को रोजगार मिला। इस प्रकार निरंतर जो आप कहते हैं 2 करोड़ पर ईयर के रोजगार कहाँ गए, वो आप आंकड़ों में देखें तो केवल ईपीएफओ के नहीं, 1.25 लाख स्टार्टअप आज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, इतना ही नहीं, आपके जमाने में 450 स्टार्टअप होते थे, आज 1.25 लाख है। नौजवानों को समय मिल रहा है तो वो करके दिखा रहे हैं, हमने अवसर दिया है। स्टार्टअप नहीं, चाहे पेटेंट की दुनिया में देखें, नए इनोवेशन की दुनिया में देखें, आपके जमाने में 2 मोबाइल फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज 100 से ऊपर मोबाइल फैक्ट्री है। आज हम मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में हर चीज हम आयात करते थे, आज हम 20,000 करोड़ का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात कर रहे हैं। गरीब आदमी जो दवाइयों के कारण से अपना इलाज नहीं करा पाता था, मोदी जी के नेतृत्व में अभी 10,000 जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है, और आगे हम 25,000 तक जनऔषधि केंद्र लेकर जाएंगे, जो गरीबों को सस्ती दवाइयां 50% से लेकर के 90% तक सस्ती दवाइयां मिलेगी। मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा, मैं अभी एम्स ऋषिकेश में गया किसी को देखने के लिए, क्या है 5 लाख रुपए की कैशलेस योजना, उसका प्रभाव देखिए। एक व्यक्ति मेरा जानने वाला दौड़ता हुआ आया, मेरी कोली भरकर रोने लगा। मैंने कहा अनिकेत क्या हुआ? कहने लगा भाई साहब मुझे आज पता लगा कि प्रधानमंत्री जी की 5 लाख वाली कैशलेस योजना कितनी अद्भुत है। मेरे पिताजी का परसों हार्ट अटैक हुआ, रविवार का दिन था, घर में पैसे भी नहीं थे, केवल 37 रुपए में उनका स्टंट पड़ गया। यह है प्रधानमंत्री जी की जीवन बचाने वाली योजना।
आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 वर्ष का हमने संकल्प लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं शिवदासन जी को कि जो वो कह रहे थे रिच बनने की बात, हम हर आदमी को रिच बनाएंगे। कैसे बनेगा? क्योंकि हम 25 वर्षों में संकल्प लेकर चले हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा विश्व का, तो हर आदमी रिच होगा, चिंता मत करें। इसी के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। श्री एम षणमुगम।